एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 9, इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट नंबर 4। और इस वीडियो का जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो है हमारा केस 4, फ्री ट्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो ट्रेडिंग के लिए जो इकोनॉमी को खोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड कहते हैं या फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि फ्री ट्रेड के जगह पे ट्रेड लिबरलाइजेशन भी यूज़ होता है और आगे यूज़ भी किया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ। ये किया कैसे जाता है, फ्री ट्रेड कैसे किया जाता है, तो जो बैरियर्स होते हैं लाइक टैरिफ उनको घटा करके फ्री ट्रेड किया जाता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू कम्पीट विथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है मीन्स जो फ्री ट्रेड है वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को अलाउ करता है कि वो कहीं भी जा करके डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सर्विसेज से कम्पीट कर सकते हैं, उनसे कंपटीशन रख सकते हैं। आगे हमारा ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विथ फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाई नॉट गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड बाई इम्पोजिंग कंडीशन विथ अनफेवरेबल विच आर अनफेवरेबल। जो ग्लोबलाइजेशन है, फ्री ट्रेड के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी क्या करता है, इकोनॉमीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज की उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। अफेक्ट कैसे करता है, तो वो उनको इक्वल जो प्लेइंग फील्ड है इक्वल नहीं देता है, जो सारी चीज़ें क्या होती हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए अनफेवरेबल हो जाती हैं, ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेवल फास्टर एंड फार्दर दैन इवन बिफोर। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जब हुआ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जबकि ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। बट फ्री ट्रेड शुड नॉट ओनली लिवरेज कंट्रीज इंटर द मार्केट्स। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिर्फ फ्री ट्रेड में जो रिच कंट्रीज हैं उन्हें सिर्फ अलाउ नहीं करना चाहिए था, बट अलाउ द डेवलप कंट्रीज टू कीप देयर ऑन मार्केट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। और क्या करना चाहिए था, लेकिन उनको अलाउ करना चाहिए था कि अपनी जो उनकी ऑन मार्केट्स हैं उनको फॉरेन प्रोडक्ट से जो है प्रोटेक्ट रखें। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, आगे है हमारा कंट्रीज ऑल्सो नीड टू कॉशंस अबाउट डम्प्ड गुड्स। कंट्रीज़ जितनी भी कंट्रीज़ फ्री ट्रेड करती है उनको क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए थी डम्प्ड गुड्स। डम्प्ड गुड्स भी फ्री ट्रेड के साथ साथ आते हैं। एज अलॉन्ग विथ फ्री ट्रेड डम्प्ड गुड्स ऑफ चीपर प्राइस कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। क्या करते हैं ये, जो डम्प्ड गुड्स होते हैं वो चीपर प्राइसेस में आते हैं और क्या करते हैं, वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं। डम्पिंग यहाँ पे लिखा हुआ, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजन नॉट रिलेटेड टू द कॉस्ट इज कॉल्ड डम्पिंग। ये है डंपिंग का। आगे हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन 1948 टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT वॉज फॉर्म्ड बाय सम कंट्रीज। 1948 में क्या हुआ, टू लिबरलाइज द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को लिबरलाइज करने के लिए टैरिफ से, जो हाई कस्टम टैरिफ लगते थे उससे लिबरलाइज करने के लिए, और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे उससे लिबरलाइज करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। ये सारे कंट्रीज के लिए नहीं था बट फॉर सम कंट्रीज, सॉरी फॉर्म्ड बाई सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के द्वारा ये बनाया गया था। इन 1994 इट वॉज डिसाइडेड बाई द मेम्बर countries to set up a permanent institution for looking after the promotion of free and fair trade amongst nations, and the GATT was transformed into the World Trade Organization from 1st January 1995. 1994 में ये decide किया गया, जो भी countries ये agreement बनाए थे general agreement for tariff and trade, उनके द्वारा ये decide किया गया कि अब क्या करना चाहिए, एक permanent institution इसके लिए setup कर देना चाहिए free and fair trade के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये डिसीजन लिया गया उसके बाद GATT जो था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और फर्स्ट जनवरी 1995 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में जो क्या करता है, ग्लोबल रूल्स को, ट्रेड के जितने भी ग्लोबल रूल्स होते हैं उससे डील करता है नेशंस के बिटवीन। इट सेट्स द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर नेशन।
ये क्या करता है, जो ग्लोबल ट्रेडिंग होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स होते हैं, तो उसको ये सेट करता है। एंड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी विवाद होती हैं नेशंस के बीच में, मेंबर्स जो होते हैं नेशन के, उनके बीच में, उसको क्या करता है, ये रिजॉल्व कर देता है। WTO ऑल्सो कवर्स ट्रेड इन सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंकिंग एंड अदर इश्यूज सच एज इंटेलेक्चुअल राइट्स। जो WTA है वो कौन कौन से ट्रेड को कवर करता है, कवर ट्रेड इन सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और अदर इश्यूज सच एज इंटेलेक्चुअल राइट्स। एंड नेक्स्ट भी है WTO का ही, तो वो है WTO हैज हाउएवर बीन क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय दोज हु आर वरीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब WTO को किसने क्रिटिसाइज करा, तो वो लोग, कुछ लोग अपोजिट में थे WTO के, जो क्या करते थे इसके फ्री ट्रेड के और जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, उससे, उसके इफेक्ट से बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। उनके थ्रू ये क्या किया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया। इट इज़ आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्पेरस, इट इज़ एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच। या ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए उतना ज़्यादा, मतलब उनकी लाइफ को प्रॉस्पेरस नहीं बनाता है, बल्कि ये क्या करता है, ये रिच और पुअर पीपल के बीच जो भेद है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, रिच कंट्री को और भी ज़्यादा रिच कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज इन्फ्लुएंशियल नेशंस इन द WTO फोकस ऑन देयर ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो WTO इन्फ्लुएंशियल नेशन इन WTO वो किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट पे। Moreover, many developed countries have not fully opened their markets to products from developing countries. और भी बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी जो कंट्री का मार्केट है उसको फुली ओपेंड नहीं करा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ से जो प्रोडक्ट आते हैं वो उनकी कंट्री में, उनके मार्केट में आए। इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इश्यूज ऑफ हेल्थ, वर्कर्स राइट्स, चाइल्ड लेबर एंड इन्वायरमेंट आर इग्नोर्ड। और कौन सी चीज़ें इग्नोर करी जा रही हैं, तो वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, वर्कर्स राइट हो गए, चाइल्ड लेबर्स हो गए, इन चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।